सामरिक महत्व के मनाली दारचा पदुम लेह मार्ग पर बन रहे विश्व की सबसे ऊंची शिंकुला टनल का निर्माण कार्य जून में शुरू होगा। दिल्ली की एक कंपनी को सीमा सड़क संगठन ने करीब 1500 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है। टनल बनने से मनाली दारचा लेह वाया शिंकुला पदुम एवं निम्बू मार्ग में 12 महीने सेना की आवाजाही रहेगी। 4 किलोमीटर लंबी टनल 3 साल यानी कि 2027 तक देश को समर्पित होगी। समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे को भेद कर बन रहे टनल से पाक और चीन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच आसान होगी। टनल बनने से मनाली कारगिल और मनाली लेह सामरिक मार्ग के बीच 12 महीने सेना के साथ आम लोगों और पर्यटक वाहनों की आवाजाही होगी। अभी तक सेना के वाहनों को मनाली से लेह वाया सरचू करीब 17 घंटे का समय लगता है, लेकिन शिंकुला टनल होकर पाक और चीन बॉर्डर तक 10 घंटे से भी कम समय लगेगा। वहीं कारगिल, सियाचिन और एलओसी तक भारी मशीनरी को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। मनाली से लेह के लिए अब 2 वैकल्पिक मार्ग होंगे। एक मनाली सरचू लेह है जो साल में करीब 6 से 7 माह भारी बर्फबारी से बंद हो जाता है। यह मार्ग 16,000 से 17,000 फीट ऊंचाई होकर जाता है। दूसरा मनाली शिंकुला निमू होकर यातायात 12 महीने खुला रहेगा। यह मार्ग समुद्र तल से करीब 12,000 फीट से होकर गुजरेगा। इसे झांसकर घाटी भी लद्दाख के साथ लाहौल से 12 महीने जुड़ी रहेगी।